भिवाड़ी में पुलिस वर्सेज एडवोकेट मामला आखिर देर रात शांत हो गया। कई घंटों से थाने के सामने धरने पर बैठे सभी वकील भिवाड़ी एएसपी अतुल साहू की समझाई से संतुष्ट हुए। एक तो एप्लीकेशन दी है हमारे को, जिसमें आपने बताया है सारी घटनाक्रम, इसकी हम जांच करा लेंगे, इसके हिसाब से मेरी बात होगी और जो भी इसमें उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई कर पाएंगे। इसमें आप निश्चिंत रहिए, हमारी तरफ से बिल्कुल जाँच में किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी। जिस तरीके से लीगल जो भी एक्शन लिया जाना चाहिए वो लिया जाएगा। दूसरा, एक शरीफ ने ये एप्लीकेशन भिजवाई थी नजीर आलम की तरफ से, है ना, इसमें मुकदमा दर्ज करके और इसमें भी कार्रवाई करेंगे। और सभी ने अपना धरना समाप्त किया। वहीं धरने पर बैठे सभी वकीलों ने समझाइश से पहले थाने के सामने से रात्रि भजन किया और वहीं पर लेट गए। वहीं भिवाड़ी एसपी अतुल साहू ने बताया कि थाने में शनिवार की सुबह दोनों परिवादी थाने में मारपीट की शिकायत लेकर आए थे। थाने के अंदर ही एक परिवाद शरीफ खान झगड़ा करने लगा, जिस पर थाना अधिकारी ने दोनों परिवादियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया था। कुछ समय बाद भिवाड़ी कोर्ट के एडवोकेट राहुल थाने पहुंचे, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक के नाम परिवाद दिया। थानाधिकारी ने उसके साथ भी बदसुलूकी की। इस मामले को लेकर भिवाड़ी के वकीलों ने धरना दिया। अभी इनको समझा दिया गया है। थानाधिकारी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक ने जांच की बात कही है। वहीं एडवोकेट राकेश दाइमा ने बताया कि अभी धरना समाप्त किया है, पुलिस अधीक्षक ने जांच की बात कही है, अगर जांच संतोषजनक नहीं हुई तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। SHO साहब ने जो गलत करा है उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो और जांच हो, वो एडिशनल साहब ने मान ली तभी धरने। दूसरी मांग क्या थी आपकी? जो एक झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज किया गया था उसमें FR लगे। झूठा मुकदमा क्या था, उसमें क्या आरोप लगाए हैं, किस पे लगाए हैं? झूठा मुकदमे में कोई महिला से मुकदमा दर्ज कराया गया है। महिला कौन सी, बाहर की थी कि? हमें नहीं पता, हमें तो पता लगा है, सूचना मिली थी। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ? नहीं पता किन धाराओं में। तो अभी आपकी क्या है, अभी हमारी सहमति बन गई। किन बातों पे सहमति बन गई? एक तो उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए SHO की, दूसरा जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए उनमें FR लगे और मुलजिमों को जल्दी गिरफ्तार। अभी धरना समाप्त कर रहे हैं जी, अभी धरना समाप्त करने की सहमति बनी। ठीक है सर। कल रात्रि को एक झगड़े की घटना हुई थी, नायरा पेट्रोल पंप है थाना क्षेत्र PIT Phase 3 में। उस घटना को लेके एक वकील महोदय के भाई यहाँ पर परिवार लेके आए थे और उस परिवार पर दौरान जांच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। उस संबंध में वकील साहब भी थाने पर आए और उन्होंने SHO से बात करी। उनका कहना है कि उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया। इस संबंध में जो एडवोकेट संघ है उन्होंने एक परिवाद दिया है, उस परिवाद में SP साहब के नाम परिवाद है और इसमें SP साहब के द्वारा निर्देशन है कि उसमें जांच करवाएंगे और जांच के बाद जो भी तथ्य निकल के आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो रात्रि वाली घटना है उसमें प्रकरण दर्ज करके उसकी भी जाँच की जाएगी। उसमें जो भी अक्यूज होंगे CCTV फुटेज के आधार पर और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, मुकदमा नंबर 301 क्या है और किन धाराओं में, किसके परिवादी कौन उसमें? परिवादी एक महिला कांस्टेबल है उसमें और उसके अंदर राजकार्य में बाधा का एक प्रकरण दर्ज हुआ है, तो उसमें अनुसंधान के बाद ही आपको बतावाएंगे क्या चीज़। तो अभी आपकी सहमति वकीलों से बन गई? हाँ, अभी सहमति बन गई है। जो पॉइंट्स उनके थे उन पॉइंट्स पे हमने उनको बिल्कुल ये बताया है कि सारे पॉइंट्स पे हम उनकी सुनवाई करेंगे, जो भी विधिक कार्रवाई वो करेंगे और बाकी उनकी तरफ से अगर कोई भी और भी बात आएगी तो उसको भी हम देख के पूरी तरह से फेयर इन्वेस्टिगेशन कराने की कोशिश करेंगे और ये पूरा मैटर SP साहब के निर्देशन में और हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद।